हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ रिलेटेड टू पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओडी एक टोटली लाइफस्टाइल डिजीज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पीसीओडी बिल्कुल रिकवर हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो चुका है, बट अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस आ गया है, स्लीप नहीं है और आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक खाए हैं, कुछ भी टाइप के पिल्स खाए हैं, आपका कोई भी यू नो अप एंड डाउन हुआ है लाइफ में, तब भी आपके जो पीरियड्स है वो डिले हो जाएंगे। और अगर आपने सुधार जल्दी से नहीं किया, देन 3 से 4 महीनों के बाद आपका जो पीसीओडी है, जो गया हुआ पीसीओडी है, वो दोबारा वापस आ जाएगा। सो इट्स टोटली अ लाइफस्टाइल डिजीज। पीसीओडी ठीक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप गायनिक के पास भी जाओगे पीसीओडी का केस लेके, वो भी बहुत सारी दवाइयाँ लिख के एंड में लिख के देंगे, लूज योर वेट, लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, वेट लॉस को करो। बहुत सारी फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती, अपनी पूरे जंतर जहान में पूरा अपना ध्यान रखेंगी, सबको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से काम निभाएंगी, बट जब बात आती है खुद को इम्पोर्टेंस देने की, वो बिल्कुल गायब हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। उनके हिसाब से ठीक है, हम कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। एंड रिजल्ट इज पीरियड्स का इरेगुलर होना या पीरियड्स का फ्लो अच्छे से नहीं आना, इक्वल टू वेट गेन, एक्ने, पिगमेंटेशंस एंड बहुत सारे बुरी तरीके से फेस पे बाल आना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैसिव हेयर लॉस, मैसिव हेयर लॉस। जब मेरे बाल इतने ज़्यादा, अभी बीच में लास्ट ईयर की कहानी है, इतने पूरे उड़ गए थे, एंड अब मेरे बालों की रिकवरी टचवुड बहुत अच्छी हो चुकी है। मैंने बहुत सारे मेथड्स अपनाए थे हेयर फॉल स्टॉप करने से लेके बालों की रीग्रोथ को लेकर। इसकी अगर मैं स्पेसिफिक डाइट यहाँ पे बताऊँ या बहुत सारे डू एंड डोंट्स बताऊँ, बहुत लंबा चीज़ हो जाएगा, बट अगर आपको प्रॉपरली हेयर फॉल का रिलेटेड एक छोटा सा मैं कोई पैकेज बना के अगर यहाँ पे डाल दूँ, लाइक 499 वाला, देन प्लीज़ लीव अ कमेंट, उससे हेयर का मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दूँगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पीसीओडी की। पीसीओडी को ठीक करने के 5 सिंपल से मेथड, बहुत बहुत सिंपल से मेथड, इंक्लूडिंग डाइट, अगर वो सिंपल मेथड फॉलो किए जाएंगे तो उसका इक्वल टू रिजल्ट आएगा आपका वेट लॉस एंड पीसीओडी बिल्कुल ठीक। सो पॉइंट है कि पीसीओडी अगर आपको है और अगर आप कंसीव करने के लिए भी ट्राई कर रहे हो, सबसे पहले आप अपना वेट लॉस करो, पीसीओडी ठीक करो, बॉडी को रिकवरी में डालो। जब आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तभी जाकर ही आपने कंसीविंग का प्रोसेस में उतरना है। आप दोनों चीज़ें साथ साथ करोगे, ना वेट लॉस होगा और ना कंसीव होगा, और बीच में झूलते रह जाओगे, इक्वल टू रिजल्ट इज IVF पे जाओगे या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लोगे, इक्वल टू वेट गेन। सो 5 मेथड बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत बहुत सिंपल से हैं। पीसीओडी आता यहाँ से है, जाता यहाँ से है। पीसीओडी के लिए दिमाग को शांत रखना, स्ट्रेस को बिल्कुल मैनेज करना और बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग नहीं करना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दीज डेज, बट स्टिल अपने ब्रेन को बिल्कुल प्रेजेंट में रख के जीना, फ्यूचर का नहीं देखना, माइंड को रिलैक्स रखना सबसे पहली चीज़। नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। जो जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जिन जिन लोगों की वजह से आप ओवरथिंक या स्ट्रेस में जा रहे हो, पहली चीज़ या तो उनका नंबर ब्लॉक कर दो या उनसे कट ऑफ कर दो, थोड़ी सी बदतमीजी दिखा दोगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे। थर्ड एंड सबसे अच्छी चीज़, आपका स्लीपिंग पैटर्न, 10 से 6 या 7 बजे की जो नींद होती है वो सबसे बेस्ट है। रात को 10 बजे सो, सुबह 7 बजे उठो, थोड़े टाइम के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम, आपके सीरीज, आपकी ओवरथिंक, आपका स्ट्रेस, लेट नाइट टॉक, सब कुछ हटा दोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। 4th आता है डाइट के टाइमिंग्स। मील अच्छे ले रहे हो बट टाइमिंग्स मैनेज नहीं हो रही है, इक्वल टू 0 वेट लॉस एंड पीसीओडी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। टाइमिंग एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किस समय क्या खा रहे हो, खा बहुत अच्छा रहे हो बट वो गलत टाइमिंग पे खा रहे हो, वेट लॉस नहीं देगा ना पीसीओडी ठीक देगा। 5th एंड सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, वाटर इनटेक, पानी सिप सिप करके पीने का और पूरा अच्छे से पानी पीना, 3 से 3.5 लीटर, एंड बॉडी को रिलैक्स कराने का, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पीसीओडी का डाइट। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ये सारे क्लाइंट्स जिन्होंने वेट लॉस करा है, पीसीओडी होकर भी लूज़ करा है, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से उनका बॉडी रिकवर हुआ है, बहुत अच्छे से वो कंसीव भी कर गए या डिलीवर भी हो गया, एंड बहुत इजीली उनका जर्नी चला है और इजी उनका वेट लॉस भी हुआ है। ये जस्ट एक मिथ है कि पीसीओडी है, आपका वेट लॉस होना बहुत डिफिकल्टी है, ये खाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्रैश डाइट पे जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल गेम, सिंपल माइंड गेम, सिंपल कुकिंग का गेम है। बहुत अच्छे से खाना बनाओ, अच्छे से खाना खाओ। स्टार्ट करते हैं हम पीसीओडी का डाइट। इसमें मैक्सिमम वेट लॉस होगा आपका इजीली 10 किलो तक, तो बहुत ही प्यार से चला जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक में क्या लेना है, चलते हैं किचन में, बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक हम लेंगे 7:30 से 8 बजे के बीच में, एंड सबसे पहली चीज़ इसमें हम, अगर आप
अफोर्ड कर सकते हो, आप इसको ले सकते हो, देन वन ऑप्शन इज़ नारियल का पानी. एवरी ऑल्टरनेट डे हम इसको लेंगे. और नेक्स्ट दूसरी ड्रिंक है मेरे पास यहाँ पे अजवाइन का वाटर. सोक अजवाइन वाटर. अजवाइन वर्क करता है मेरिकल की तरह PCOD केस में. ट्रस्ट मी, इट्स रियली 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 इफेक्टिव ड्रिंक. इसको मैंने सोक करा है एक गिलास पानी में, आधा चम्मच अजवाइन पूरी रात के लिए. अब हम इसको स्ट्रेन करके बिना गर्म किए पियेंगे. इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हम लेंगे. वेलकम बैक जी. मॉर्निंग ड्रिंक के टाइमिंग का ध्यान रखेंगे 7 से 7:30 बजे का. एंड मेक श्योर कि मॉर्निंग ड्रिंक स्किप ना करो. बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं जो मॉर्निंग ड्रिंक अपने आप ही स्किप कर देते हैं. अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. सो ये जो पूरा डाइट है इसमें मैं चाहती हूँ आप प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा हायर साइड पर रखिएगा, अच्छा खासा हायर साइड पर रखिएगा. एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली इन PCOD केसेस. शरीर आपका मोटा है, आपकी बॉडी में अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे मेजर डेफिशिएंसीज मिलेंगी बहुत सारी. विटामिन D3 भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा, HB लेवल कम होगा, और काफ़ी लोगों का ऐसा है कि HbA1c भी बड़ा होगा. सो हम इसमें दालों का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखेंगे. हम चलते हैं किचन में और हम बनाएंगे वन दाल की रोटी. कैसे बनानी है दाल की रोटी, येलो मूंगे की दाल की रोटी. चलते हैं किचन में. अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास है यहाँ पे ओवरनाइट सोखी हुई मूंग की दाल. और ब्रेकफास्ट के टाइमिंग हमारे रहेंगे 9 बजे से पहले पहले. सो ये रही 2 चम्मच जितनी मैंने यहाँ पे लिया मूंग की दाल. अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना वाटर. और अब हम इसे करेंगे ब्लेंड. अब ये जो दाल है ब्लेंड की हुई ये हम डालेंगे बर्तन में. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे थोड़ा सा बार्ले का आटा, जौ का थोड़ा सा मैंने डाला है, बेसन. इसके अंदर हम डालेंगे अब नमक, सूखा धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हिंग पाउडर, पिंच ऑफ अजवाइन, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी. और अब हम इन सबका गूंदेंगे आटा बहुत ही अच्छे से. ये रहा हमारा आटा एंड इट्स रेडी. ओके, तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट. एंड इसके ऊपर हम लगाएंगे घी 1 चम्मच जितना एंड इट्स रेडी. 2 फुलके हम एक बार ही मिलेंगे विथ मिल्क टी वाला कॉफ़ी या फिर आपका ग्रीन टी, जो भी आपको प्रेफर हो. दही हम इसके साथ नहीं लेंगे, बट येस दिस इज रेडी विथ हमारा मिंट का या फिर कोई भी होममेड चटनी. वेलकम बैक जी. नाउ जिन जिन लोगों को ये दाल की रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम दाल की रोटी डेली नहीं खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मेरे चैनल पे आइए, उस पर बहुत सारी प्याज एंड तिल की रोटीज़ है, बहुत वेराइटीज़ ऑफ परांठाज है, रागी की रोटी है, ओट्स के चीले हैं, मूँगे की दाल के चीले हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारे बेसन के चीले की भी वेराइटीज़. आप इनमें से कोई भी चीला पिक कर सकते हैं एंड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. बट इस डाइट में हम सैंडविचेस बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो होगा वो हम बिल्कुल टोटली अवॉइड रखेंगे. जितना होगा हम बेसिक चीज़ों से अपनी डाइट को कवर करेंगे. जो भी लोगों को मिल्क टी एंड कॉफ़ी की लत है सुबह की लेने की, मेक श्योर या तो आप उसको हटा दो PCOD के केसेस में. बट अगर आप उसको रखना चाहते हो एंड सरदर्द ठीक नहीं होगा, देन 2 से 3 सिप आप लेंगे नॉर्मल मिल्क की टी. कोशिश करो आप ओट मिल्क, वॉलनट मिल्क या आलमंड मिल्क की टी अगर आप अपनी मॉर्निंग की ड्रिंक में ऐड कर सको, मॉर्निंग की टी एंड कॉफ़ी में. अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, चलते हैं किचन में. ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा मिड ब्रेकफास्ट. मिड ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होगा हमारा 10 o'clock से लेके 11:30 तक. उससे ज़्यादा हम इसको डिले नहीं करेंगे. यहाँ पे मेरे पास है सोक्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स. इसमें आलमंड्स हैं, 2 अंजीर है, ये सोक करे हुए रखे हैं मैंने ओवरनाइट. अगर आपको ये नहीं ले सकते बिकॉज ये महंगे होते हैं थोड़े से, हम मिड ब्रेकफास्ट के अंदर लेंगे सैलेड. इसमें एक टमाटर बिना बीज का, खीरा और गाजर या चकुंदर जो भी आपको इजीली मिल रहा है हम उसको लेंगे. बट मेक श्योर इसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं डालेंगे, इससे आपको किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्स्टिपेशन कतई नहीं होगा. सो या अच्छा, मिड ब्रेकफास्ट के जो टाइमिंग्स होंगे हमारे पास यहाँ पे होंगे 10 to 11:30. उससे ज़्यादा मिड ब्रेकफास्ट हम डिले नहीं करेंगे. और जो जो लोग मिड ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे उनका लंच में ओवर ईट होगा और इवनिंग के टाइम पे वो डेफिनेटली बाहर का जंक खाएंगे. जो मिड ब्रेकफास्ट है उसको एक्चुअली में आपने होल्ड करके चलना है.
कहीं पे भी बाहर हो आप अपने साथ इसको कैरी करो। नेक्स्ट आते हैं हम लंच पे। नाउ लंच में हम बनाएंगे ग्रीन मूंगे की दाल की टिक्की, और वो कैसे बनानी है चलते किचन। यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं लंच। लंच का जो टाइमिंग होना चाहिए वो होता है 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक, बट मेक श्योर 1 बजे ही हम अपना लंच फिनिश कर लेंगे, 2:30 से 3-4 नहीं करने का। ये रहा ओवरनाइट सोक मेरे पास ग्रीन मूंगे की दाल, साबत मूंग है ये, छिलके वाली नहीं है। इसके 2 से 3 करछी हम ब्लेंडर में डालेंगे और बिना पानी के हम इसको ब्लेंड करेंगे, बिना वाटर के। ओके, ये रही हमारी ब्लेंड की हुई दाल, इसको हम डाल देंगे बाउल में। एक बहुत ही यम्मी हमारे कटलेट बनने हैं इससे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, नेक्स्ट कसा हुआ घिया, और घिये का पानी मैंने सारा निचोड़ लिया था। नेक्स्ट थोड़ी सी गोभी, नेक्स्ट 2 चम्मच जितने ओट्स, 1 चम्मच, 2 चम्मच। अब हम डालेंगे इसमें नमक, सबसे पहले हींग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, भुना हुआ जीरे का पाउडर। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से। नेक्स्ट हमारा तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े ड्रॉप्स घी के डालेंगे। ये रहा हमारा बैटर, हम लेंगे 1 करछी और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट हम एक और लेंगे करछी और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। ओके, सो ये रही हमारी टिक्कीज, और इसको हम सर्व करेंगे हमारी ग्रीन चटनी के साथ। और साथ में अगर आपको चाहिए आप थोड़ी सी सैलेड भी ऐड कर सकते हैं, खीरा प्याज टमाटर। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लंच एंड इट्स रेडी, सिंपल। वेलकम बैक जी। अगर आपको ये टिक्की खाना पसंद नहीं है, एक दिन में आप बोर हो गए हो, देन मेरे चैनल पे वेराइटीज ऑफ टिक्कीज की रेसिपीज, आप कोई भी एक टिक्की का रेसिपी पिक करो एंड अपनी डाइट में ऐड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारी दाल सैलड्स की रेसिपी, आप दाल की सैलड्स भी ऐड करेंगे। अगर ये भी लेने का आपका बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, मन नहीं, आप इनको हटा दीजिए। आपको कुछ लाइट सा पीने का मन है और आपका मन है डिटॉक्स करने का, मेरे चैनल पे जितने जूसेस की रेसिपीज, आप कोई भी एक जूस पिक करेंगे आप अपनी डाइट में लीजिए। एंड अगर ये सब भी लेने का मन नहीं है, आप दाल का सैलड, पम्पकिन दाल का सैलड, कोई भी एक सैलड ये वाला पिक कीजिए इस वीडियो से एंड आप उसको अपनी डाइट में रखिए। ओके, इवनिंग टी के अंदर हम लेंगे पीपल के पत्तों की टी। नाउ पीपल के पत्ते इतनी स्ट्रॉन्ग औषधि है, इतनी तगड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है और इतना तगड़े तरीके से आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन को हटाता है, एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं पीपल के पत्तों की ड्रिंक्स बताऊंगी, 5 से 6 वेराइटीज ऑफ ड्रिंक, इसके फायदे, इसके बेनिफिट्स एंड इसकी डीप नॉलेज मैं आपको बताऊंगी। बट इस डाइट के अंदर मैं आप सबको देना चाहती थी पीपल के पत्तों का पानी एंड उसकी चाय। हर गली के अंदर 1 या 2 पीपल के पेड़ होते हैं, आपके मंदिर के आसपास जहाँ पे मंदिर मिलेगा वहाँ पे पीपल के पत्ते दिखेंगे आपको। दिन में आप उसको तोड़ के रखिए, फ्रिज में लगाएं एंड उसकी चाय बना के लीजिए एवरी ऑल्टरनेट डे। ट्रस्ट मी, उसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेवल है। आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन हटेगा, आपको बीमारियों से दूर रखेगा, अस्थमा, कोल्ड कफ, कंजेशन जितनी भी आपको लगती हैं उन सबको दूर रखेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पीरियड्स बहुत लंबे समय से डिले चल रहे हैं, 6 महीने साल से पीरियड नहीं आए हैं, पीपल के पत्तों की जो टी अगर आप रेगुलर 10 डेज लेंगे, 11th डे आपको पीरियड्स आ जाएंगे। ये थोड़ी सी गर्म होती है तासीर में, बट इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। अगर इसको पीने के बाद आपको 1 डे में ही एक्ने स्टार्ट हो गए हैं, आप इसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, दिस ड्रिंक इज नॉट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रिंक हम लेंगे लेमन ग्रास टी या फिर हम लेंगे ग्रीन टी इन चिस लॉस। अगर आप पीपल के पत्तों का टी एवरी ऑल्टरनेट डे भी अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, देन नेक्स्ट डे आप इनमें से कोई भी टीज ऐड कर सकते हैं। या तो आप लेमन पील टी लेंगे, या लेमन ग्रास टी लेंगे, या फिर ग्रीन टी इन चिस लॉस लेंगे, या फिर इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पे पील टी, वेराइटीज ऑफ पील्स की टी लेंगे हम यहाँ पे। बट पीपल के पत्तों की टी कैसे बननी है चलते किचन में। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग ड्रिंक, पीपल के पत्तों का रस। सो ये है मेरे पास पीपल के पत्ते, बहुत तगड़ी औषधि है। अभी हम इसको लेंगे 3 पीपल के पत्ते, इसको हम बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ते हैं यहाँ पर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितना पानी,
इसको हम करेंगे ब्लेंड बहुत अच्छे से। ओके, ये अब हमने छान लिया पानी, अब हम इसे हल्का गरम करेंगे। ये रहा हमारा पीपल के पत्तों की चाय, इसके साथ हम ले सकते हैं भुना हुआ चना, बहुत इजी मिलता है मार्केट में बिना नमक का, या फिर भुना हुआ हमारा मखाना। सो या, इट्स रेडी। वेलकम बैक जी, अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर में अगर आपको सूप्स अच्छे लगते हैं देन मेरे चैनल पे वेराइटीज ऑफ सूप की रेसिपीज, आप इनमें से कोई भी एक सूप पिक कर सकते हैं, वेजीज का सूप, एनी टाइप ऑफ सूप। बट अगर आपको कुछ सैलड्स में खाना है, सौते वेजीज हो गई या फिर सौते आपका पनीर या टोफू का सैलड हो गया, बहुत भूख लगी है घर आके, कुछ भी कुक करने का मन नहीं है, अपनी किचन में जाएंगे, जितनी सब्जियां पड़ी हैं सबको बाहर निकालेंगे और हम बनाएंगे वेजीज सैलड, बहुत सारी सब्जियों की एकदम सौते की हुई सैलड और बहुत सारी चटपटी सैलड। वो कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में। डिनर हम लेंगे 6:30-7:30 मैक्सिमम। डिनर के लिए हमारे को चाहिए सौते वेजीज करनी है हमने, और ये सारी वेजिटेबल्स को हम बहुत अच्छे से सौते करेंगे। पहले मेरे पास मशरूम 3-4 मशरूम्स, कॉर्न हमारे पास है 2 स्टिक्स लिए मैंने कॉर्न की, बीन्स, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर। पॉइंट इस, ये जितनी भी हमारे पास सब्जियां हैं इन सबको आपने वॉश करना है तेज़ गर्म पानी से, और स्पेशली बीन्स एंड शिमला मिर्ची को 5 मिनट के लिए तेज़ गर्म पानी में सोक करके रख दो। उसके बाद कोई एसिडिटी नहीं होगी, बहुत अच्छे से कुक होगा और कोई भी ना इनडाइजेशन का इशू नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को कैप्सिकम से आता है, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर इसको जैसे ही हम गर्म पानी के अंदर सोक करके रखेंगे उसके बाद कोई भी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ओके, सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे हमारे प्याज, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हमारे बीन्स एंड शिमला मिर्ची गर्म पानी के सोखे हुए, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से हमारे मशरूम्स, 3 ही लिए मैंने मशरूम्स, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है कॉर्न, इसके अंदर अब हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, कोशिश करना डिनर में सॉल्ट अवॉइड करने की, सूखा धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ी सी हमारी कस्तूरी मेथी, और अब हम इसे कुक करेंगे सिम आंच पर 5 मिनट के लिए। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से हमारे टमाटर बिना बीज के, थोड़ी सी हमारी मिंट चटनी, हरा चटनी टेस्ट के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर डिनर, एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी एंड यमी। या तो आप लेमन डालेंगे या चटनी डालेंगे। वेलकम बैक जी, मान लीजिए आपको ना सूप पीने का मन है, ना सैलड खाने का मन है, कुछ भी लेने का मन नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, जस्ट अ बाउल ऑफ पपाया एंड दैट्स इट फॉर योर डिनर। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। 9:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपकी नाइट ड्रिंक जाएंगे, इसमें हम लेंगे शतावरी। शतावरी की ड्रिंक अभी रिसेंटली वीडियो में मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, एंड दिस इज वर्ल्ड बेस्ट ड्रिंक फॉर योर PCOD एंड PCOS। इसको डेफिनेटली आप लीजिएगा एटलीस्ट फॉर अ मंथ रेगुलर बेसिस पे, एंड यू विल सी ह्यूज चेंजेस इन योर PCOD एंड PCOS। जिन जिन लोगों को इस डाइट के बीच में करते हुए रैंडमली पीरियड आ जाएगा 10 दिन पहले 5 दिन पहले 6 दिन पहले, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड आपको पीरियड्स के डाइट पे स्विच करनी है जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपको बहुत हैवी फ्लो हो रहा है या फिर आपको फ्लो नहीं हो रहा है, अगर फ्लो नहीं हो रहा ड्रिंक शतावरी, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है एंड आप इसको स्टॉप करना चाह रहे हो कि यार दैट्स इट इनफ, पिल लेने के चक्कर में हो कि चलो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है मैं पिल ले लेती हूँ, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको फ्लो को होने दीजिए, इसको निकलने दीजिए। बहुत लंबे समय के आपके अंदर के सिस्ट होंगे वो बाहर निकल रहे हैं, जस्ट इसको
फ्लो में निकलने दीजिए. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. जिन जिन लोगों को PCOD एंड PCOS है, ट्रस्ट मी, उनका जो पेन है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है, क्योंकि ना तो उनके फीलिंग्स को कोई समझ पाता है, ना उनके मूड स्विंग्स को कोई समझ पाता है. हर एक PCOD एंड PCOS की लड़की को कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार मैं अच्छी नहीं दिख रही, या फिर मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ. सुबह का उनका मूड कुछ और होता है, दोपहर का कुछ, रात का कुछ, है दिन का कुछ. सो ऐसी सिचुएशन में ना बंदा अपने आप को ना कुछ अलग फॉर्म में देखता है कि यार मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ. एक लेडी है मेरे पास जो कि 50 kg की हैं, बट स्टिल उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है. अब यहाँ पे ये सोचो उनका मेंटल लेवल और मेंटल स्ट्रेस कितना ज़्यादा है कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, दो शी इज़ जस्ट 50 kg. सो मेक श्योर आपकी लाइफ में जो जो लोग आपको दिक्कत देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, एंजाइटी देते हैं, आप उनसे टोटली कट ऑफ हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो. छोटी सी जिंदगी है, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा. सो या दैट्स इट. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. सो टेक केयर जी, बाय बाय.